और न कोई दे सके ज्ञान भक्ति गुरु दे, धन्य दाता गुरु बदले न कुछ ले, बदले न कुछ ले, कीजिए गुरु की सेवा, जन्मा जन्म बहार गुरु देवन के देवा। गुरु समानती हूँ लोक में ना कोई दानी जान, गुरु शरण शरणागति राखिए गुरु भगवान। गुरु चरणों में सादर नमन करते हुए आप सबको जय जिनेन्द्र। मैं मोना बिरला आपके इस पावन सफर की साथी आप सबका भांडवपुर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रतिष्ठोत्सव के 12वें दिन दिनांक 16 फरवरी की खबरों से। महातीर्थ में उल्लास और उमंग के साथ हुए जाजम के चढ़ावे, प्रभु के दीक्षा कल्याणक महोत्सव में निकला भव्य वर घोड़ा। श्री भांडवपुर महातीर्थ में तत्वत्रय प्रतिष्ठोत्सव का आयोजन पुण्य सम्राट श्री जयंत सेन सुरेश्वर जी मरासा के पटधरद्वय गच्छाधिपति श्री नित्य सेन सुरेश्वर जी एवं भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी मरासा आदि विशाल श्रमण श्रमणी वृंद की शुभ निश्रा में विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के साथ दिनांक 5 फरवरी से 20 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। 15 फरवरी 2024 को गच्छाधिपति श्री नित्य सेन सूरी जी भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य श्री जयरत्न सूरी जी महाराज एवं आचार्य श्री नरेंद्र सूरी जी आदि की निश्रा में जाजम के भव्यातिभव्य चढ़ावे हुए। श्री महावीर स्वामी मंदिर की अमर ध्वजा का लाभ श्रीमती देवूबाई सुखराज जी बालड़ मैंगलवा ने, कलश का लाभ मातुश्री मोहन देवी सावलचंद जी बालगोता मैंगलवा ने और दंड का लाभ श्रीमती अत्यादेवी जेठमल जी कांकरिया सुराणा ने, श्री महावीर मंदिर में चांदी की प्रतिमा विराजमान करने का लाभ श्रीमती भाग्यवती पृथ्वीराज जी संकलेचा मैंगलवा ने, स्फटिक रत्न की प्रतिमा विराजमान करने का लाभ श्रीमती नावी देवी मिश्रीमल जी बालगोता मैंगलवा ने, श्री राजेंद्र सूरी जी मंदिर की अमर ध्वजा का लाभ श्रीमती गौरी देवी हरकचंद जी सांकलेचा मैंगलवा ने, गुरु प्रतिमा विराजमान करने का लाभ श्रीमती विजू देवी भवरलाल जी बालड़ मैंगलवा मुंबई अहमदाबाद ने, दंड का लाभ श्रीमती मोहन देवी रिखभचंद जी छत्रिया बोरा सुराना ने, कलश का लाभ मातुश्री गुणीबाई सुमेरमल जी नरसा जी बालगोता मैंगलवा ने, श्री जयंत सिंह सूरी जी समाधि मंदिर की ध्वजा का लाभ श्री मुन्नीलाल जी मंगलचंद जी हिरानी रेवतड़ा चेन्नई ने, प्रतिमा विराजमान करने का लाभ बी एम शाह सूर्य प्रकाश जी भंडारी चेन्नई ने, कलश का लाभ शाह दिनेश कुमार जी दलीचंद जी भूरमल जी बालगोता मैंगलवा बीजापुर ने, दंड का लाभ श्री मुन्नीलाल जी मंगलचंद जी हिरानी रेवतड़ा चेन्नई ने एवं श्री शांति विजय जी समाधि मंदिर का संपूर्ण लाभ शाह रूपचंद जी गणेश मल जी बालड़ पादरू ने, बड़े ही उल्लास और उमंग के वातावरण में शुभ भावों के साथ लिया। महोत्सव 12वें दिन दिनांक 16 फरवरी 2024 को क्षत्रिय कुंड नगरी में प्रातः 5:30 बजे गुरु भगवंतों की निश्रा में मुमुक्षु भव्या कुमारी अदानी, नीमाबेन देसाई, रवीना कुमारी सोलंकी, विमलाबेन देसाई की दीक्षा की विधि प्रारंभ हुई। परिवार वालों ने गच्छाधिपति श्री को रजोहरण प्रदान किया। जैसे ही मुमुक्षु बहनों के हाथ में रजोहरण आया, वे नाचते नाचते वेश बदलने गई और गुरु भगवंतों की निश्रा में दीक्षा विधि पूर्वक संपन्न हुई। नूतन साध्वियों का नामकरण साध्वी श्री नेमर्षि निधि श्री जी भव्या कुमारी अदानी, साध्वी श्री महर्षि निधि श्री जी नीमाबेन देसाई, साध्वी श्री राज ऋषि लता श्री जी रवीना कुमारी सोलंकी, साध्वी श्री आत्म ऋषि लता श्री जी विमलाबेन देसाई किया गया। दीक्षा के निमित्त चारों मुमुक्षुओं को चादर, कामली, साड़ा, पात्रा, डंडा, मोटी छोटी झोली, सापड़ा, नवकार वाली पूंजनी, पुस्तक, दर्पणी, आसन, संथारा, उत्तरपटा, दर्शन चौबीसी, सुपड़ी आदि उपकरण वोहारने का लाभ चढ़ावा बोलकर लाभार्थी परिवारों ने लिया। दीक्षा प्रसंग पर आचार्य श्री नरेंद्र सूरी जी महाराज की सांसारिक भतीजी मुमुक्षु विभा कुमारी भूपेंद्र कुमार जी अचलचंद जी सोलंकी सियाणा को गच्छाधिपति श्री ने दीक्षा का मुहूर्त प्रदान किया। मुमुक्षु की दीक्षा श्री संखेश्वर तीर्थ में 1 मई 2024 को गच्छाधिपति श्री की शुभ निश्रा में संपन्न होगी।
तीर्थ परिसर में प्रतिष्ठा निमित्त भगवान का दीक्षा कल्याणक हुआ तथा भव्य वरघोड़े का आयोजन किया गया, जिसमें गुरु भगवंतों के साथ हजारों की संख्या में नृत्य करते हुए श्रावक श्राविका तीर्थ परिसर को जय जयकार से गुंजायमान कर रहे थे। वहीं पांच पांच हाथी, दो घोड़े, सुसज्जित बगिया, बैंड, ढोल, नृत्य मंडली आदि विशेष आकर्षण के केंद्र थे। श्री महावीर जैन, श्वेतांबर पेढ़ी, श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट, श्री तत्वत्रयी प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के द्वारा होने वाले इस प्रतिष्ठोत्सव में मुख्य सचेतक व विधायक श्री जोगेश्वर गर्ग जालोर, उप अधीक्षक श्री रामेश्वर लाल जालोर, वृत्ताधिकारी श्री रतन देवासी महातीर्थ में पधारे और प्रभु वीर गुरु मंदिर के दर्शन कर यहाँ विराजित आचार्य श्री जयरत्न सूरी जी महाराज से आशीर्वाद लिया। प्रातः चैत्याभिषेक शाह देवी चंद जी, तगराज जी, संकलेचा मैंगलवा द्वारा किया गया। दोपहर में श्री भक्तमर महापूजन संघवी शाह अशोक कुमार जी, कुंदनमल जी गुल्लेचा की ओर से संगीत की साथ पढ़ाई गई। साई कुमार पाल महाराजा की आरती का लाभ शाह त्रिलोक चंद जी, चन्नीलाल जी, संकलेचा मैंगलेवा ने लिया। प्रातः की नवकारसी शाह मीठालाल जी, फूसालाल जी, कंकु चौपड़ा मैंगलवा की ओर से। दोपहर की नवकारसी श्रीमती लक्ष्मी देवी, उम्मेदमल जी, कंकु चौपड़ा मैंगलवा की ओर से एवं साय की नवकारसी शाह कुंदनमल जी, फूला जी, संकलेचा मैंगलवा की ओर से हुई। आयोजन में लाभार्थी परिवार की ओर से प्रभावना शाह मानक चंद जी, रिखभ चंद जी, छत्रिया बोरा सुराना, परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की मनमोहक अंगरचना शाह मफतलाल जी, भदाजी झोटा दाधाल एवं प्रभु भक्ति एवं रोशनी शाह तेजराज जी, भदाजी झोटा दाधाल की ओर से की गई। तो ये था 12वें दिन का विवरण। अब जाने से पहले एक बार नजर 13वें दिन पे होने वाले आयोजनों पर। महोत्सव के 13वें दिन दिनांक 17 फरवरी 2024 को तीर्थ परिसर में प्रतिष्ठा निमित्त शुभ मुहूर्त में प्रभु प्रतिमा, गुरु प्रतिमा आदि बिंबों का अंजन विधान आचार्य भगवंत द्वारा मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से किया जाएगा। मुनिराज श्री पुष्पदंत विजय जी महाराज के 28, पुण्य सम्राट श्री जैन सिंह सूरी जी महाराज के 81वें वर्षीय जीवन पर्याय के अनुमोदनार्थ जिन शासन के इतिहास में प्रथम बार साध्वी श्री कुमुद प्रिया श्री जी की 81वीं, 28 साध्वी श्री आर्ज बकला श्री जी के 81वें अठम एवं साध्वी श्री काव्य रत्ना श्री जी के 69-70वीं वर्धान पद की ओली का पारना प्रातः 7:30 बजे होगा। आज महातीर्थ में कर्नाटक प्रांत की महामहिम राज्यपाल श्री थावरचंद जी गहलोत दर्शनार्थ पधारेंगे। दोपहर में श्री सिद्धाचल 99 पूजा संगीत की मधुर स्वर लहरियों के साथ लाभार्थी परिवार द्वारा पढ़ाई जाएगी। प्रातः की नवकारसी, दोपहर की नवकारसी एवं साय की नवकारसी लाभार्थी परिवार की ओर से होगी। आयोजन में लाभार्थी परिवार की ओर से प्रभावना, परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की नयनाभिराम अंगरचना एवं प्रभु भक्ति और रोशनी भी होगी। चरण धुर निज सिर धरो, शरण गुरु की ले, तीन लोक की संपदा सहज ही गुरु दे। सहज ही गुरु दे, चित्त में हर्ष घनेरा, शिव दीन मिले फल मोक्ष, हटे अज्ञान अंधेरा। तो आज का हमारा सफर यहीं तक। तीर्थोधारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी मरासा की प्रेरणा से चल रहे भांडवपुर YouTube चैनल पर एक्मे आईटी सॉल्यूशन जोधपुर के कोऑर्डिनेशन में नागोड़ा स्टूडियो भीनमाल की वीडियो फुटेज के साथ मीडिया प्रभारी कुलदीप प्रियदर्शी और मैं मोना बिरला आज के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। हम कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नई उमंग और नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए भांडवपुर YouTube चैनल के साथ और देखना ना भूलिए तीर्थ के लाइव प्रोग्राम। आपका दिन मंगलमय हो। जय जिनेंद्र।